देखो आईफोन 16 सीरीज वैसे भी जैसे जैसे इसका टाइम करीब आता जा रहा है लॉन्च होने का, सितंबर के मंथ में एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च होगी, तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ नई से नई लीक्स इन्फॉर्मेशन आती जा रही है। अब आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके कैमरा इन्फॉर्मेशन को लेके और कुछ इसके सीरी में जो AI अपडेट आने वाले हैं उसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पर जो दोनों ही एक्सपेक्ट्स है उसके हिसाब से भाई काफी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। लेकिन इससे पहले गाइस देखो मैं दो चीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं जो ना वो रिपीटेडली सेम वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई। देखो मैं रिपीटेडली सेम वीडियोस बना के नहीं डाल रहा हूँ, एक्चुअली मैं बेसिकली हमारा चैनल जो है वो लीक्स और रूमर्स के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर एक छोटी से छोटी लीक भी अगर निकल के आती है तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ थंबनेल देख के वीडियो को जज करने की कोशिश करोगे तो मे बी आपको ऐसा ही लगेगा कि रिपीटेड सेम वीडियोस है, बट अगर आप वीडियो पूरा देखोगे, आप कंटेंट को समझने की कोशिश करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक छोटी से छोटी लीक्स की इन्फॉर्मेशन अलग से देने की कोशिश करता हूँ, बस ये चीज है। तो आप इसलिए वीडियो को पूरा देखो। और दूसरी चीज ये गाइस कि बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, मैं ऑब्वियसली इसको चेंज करूंगा। यहाँ पर मैं स्टूडियो में इंशाल्लाह काफी सारी चीजें जो है ना वो चेंज करने वाला हूँ, तो मैं आपसे सजेशन मांग रहा हूँ कि बैकग्राउंड में व्हाइट कलर बेटर रहेगा क्या अगर मैं पूरा व्हाइट ऐसा लगाऊं तो, क्योंकि लाइटनिंग इफेक्ट जो है ना वो वहां से पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो। तो उसके जो है ना दोस्तों सजेशन आप मुझे कमेंट्स कॉलम में जरूर से देना। अब यहाँ पर देखो अगर मैं 16 सीरीज के बारे में बात करूंगा तो 16 प्रो और प्रो मैक्स को लेकर कैमरा में दो बड़े अपग्रेड्स निकल के आए हैं। सबसे पहली चीज ये है, ऐसा हमें पता लगा है कि इसमें जो सेंसर मिलेगा वो और ज्यादा एडवांस सेंसर में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो अब तक जो भी इंफॉर्मेशन निकलती भी आ रही थी वो इसके कैमरा के दूसरे अपग्रेड्स थे, बट सेंसर को लेके एज सच प्रॉपर अपग्रेड्स नहीं आए। अब देखो यहां पर अब तक कंपनी ने जो भी सोनी का सेंसर यूज किया है वो IMX803 है, लेकिन आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में कंपनी इस बार थोड़ा अपग्रेडेड सेंसर यूज करेगी जो कि IMX903 होगा। अब यहां पर जो ये 903 अपग्रेडेड सेंसर है, व्हिच मींस कि इसमें काफी अच्छे जो ना दोस्तों में फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और साथ ही में जो क्लैरिटी है, जो लाइट कैप्चर है, जो नाइट फोटोज में जो है ना वो क्लैरिटी निकल के आती है वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड रहेगा। तो यहाँ पर सेंसर अगर अपग्रेड होता है तो ऑब्वियसली जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा जो है ना दोस्तों वो अपग्रेडेड होती है। अब इसके अलावा गाइस एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी एक और एक इसमें 48 मेगापिक्सल का लेंस प्रोवाइड कर सकती है। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने 14 सीरीज में सबसे पहले जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का दिया था, लेकिन अब 16 सीरीज में ऐसी न्यूज है कि जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी कंपनी 48 मेगापिक्सल का दे सकती है। रेफरेंस के लिए देखो मैं आपको बता देता हूं कि 15 सीरीज में तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का है ही, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो यहां पर हो सकता है कि अल्ट्रा वाइड के लिए 12 मेगापिक्सल से जंप करके 48 मेगापिक्सल में चले जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा बेटर बात हो जाएगी, क्योंकि आईफोन की जो फोटोज और वीडियोज है वो 12 मेगापिक्सल पे एकदम अमेजिंग होते हैं। तो यहां पर जब 48 मेगापिक्सल आ जाएगा तो भाई ये और भी जबरदस्त चीज हो जाएगी, और अल्ट्रा वाइड में पिक्सल ब्लरिंग टेक्नोलॉजी आती है तो वो तो और भी अमेजिंग चीज हो जाती है। तो यहाँ पर गाइस कैमरा में ये दो बड़े अपग्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, विच इज क्वाइट अमेजिंग। अगर ये लीक सही हो जाती है तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। अब गाइस दूसरी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर निकल के आ रही है, और खास तौर से ये क्लाउड AI वाली बात हो रही है, क्योंकि ये जो लीक निकल के आ रही है ये एक्चुअली में सीरी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर काफी टाइम से देखो ये इन्फॉर्मेशन सुनने में आ रही थी कि काफी सारे AI के फीचर्स जो है वो कंपनी सीरी में इंटीग्रेट करेगी। देखो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था आई थिंक परसों के दिन, तो मैंने आपको ये बताया था कि एप्पल की पार्टनरशिप हो रही है ओपन AI के साथ में, जी हाँ, जो ChatGPT का डेवलपर कंपनी है। अब ओपन AI ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी अमेजिंग है, और इसके हिसाब से गाइस एप्पल अपना खुद का जो ना दोस्तों GPT निकालने के चक्कर में है, और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि सीरी में जो ना दोस्तों वो AI इंटीग्रेट होगा। लेकिन सीरी में AI इंटीग्रेट होगा तो एक्चुअली में काम कैसे करेगी सीरी? तो देखो सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके हिसाब से सीरी का जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है वो काफी प्रॉपर हो जाएगा। मतलब अभी आज के टाइम पर अगर आप सीरी से बात करोगे तो आपको फोन को बिल्कुल मुंह के पास में लेके आना पड़ता है, काफी चिल्ला के बात करना पड़ता है तभी सीरी रिस्पॉन्ड करती है, अदरवाइज इतनी आसानी से नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर आप फोन को दूर रख के भी जो ना दोस्तों सीरी से कम्युनिकेट कर सकते हो, विच इज क्वाइट अमेजिंग, मतलब बिल्कुल एकदम अमेजोन एलेक्सा की तरह। और साथ ही में गाइस इसमें जो दूसरे इंटीग्रेशन आने वाले AI के वो काफी अच्छे होने वाले, जैसे कि जो एप्पल की खुद की एप्स रहेगी उसको आप डायरेक्टली सीरी से कंट्रोल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ईमेल वाली एप है तो आप डायरेक्टली जो ना किसी को भी ईमेल सेंड कर पाओगे, अटैचमेंट्स आप ईमेल पे लगा पाओगे, और उसके बाद में ईमेल प्रॉपरली ड्राफ्ट कर पाओगे। मतलब एप्पल की ओन जो एप्स रहेंगी उसमें काफी सारे कमांड्स सीरी के थ्रू ही हैंडल कर पाएंगे, जर्नल्स नोट करना है, किसी को मैसेज सेंड करना है, तो ये सारी चीजें जो ना दोस्तों सीरी के थ्रू हो जाएगी। लेकिन गाइस यहां पर एक लीक ये भी निकल के आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीज रहेगी ऑब्वियसली
ऑब्वियसली ये एक्सपैंड भी होगी, विच मीन्स के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी जो ना दोस्तों वो सीरी प्रॉपरली उसको कंट्रोल कर पाएगी। तो यहाँ पर गाइस ऑल इन ऑल मैं यही बोलूंगा कि जो भी अब तक लास्ट मिनट पे लीक्स निकलती हुई आ रही है आईफोन 16 सीरीज से रिलेटेड, वो काफी अमेजिंग निकलती आ रही है। अब बस देखना यह है कि भाई एंड में कितनी कंफर्म होती है ये लीक्स। वैसे गाइस आपको जो भी मैंने पूछा उसका कमेंट्स वाले मुझे जरूर से जवाब देना, कुछ भी क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी क्वेश्चन उसका जवाब देगी। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।